दोस्तों कैसे हैं आप। रात होने वाली है, अब आप सोएंगे, हम भी सोएंगे भाई। तो शाम में हमने एक वीडियो डाला था जो 4PM नेटवर्क के बारे में था, पूरी उसके बारे में बातचीत करी। फिर हमने ये भी साबित करने की कोशिश करी कि ये जो चैनल है ये एक्चुअली हैक नहीं हुआ है, इसको कम्युनिटी गाइडलाइन के तहत किसी ने स्ट्राइक दी है या यूट्यूब ने खुद से इसको रोक दिया है। अब ये मामला है, सबसे पहले एक वीडियो देखिए, अच्छा लगेगा आपको। मांझी गली में तो ये बात कहना चाहते थे, किसी भी व्यक्ति को इससे हमें सीखना चाहिए कि हार नहीं माननी और लगे रहना चाहिए उस काम में जो कर रहा है। बाधाएं, चिंताएं, परेशानी आती जाती रहती हैं। अगर जो डटा रहता है, अपनी बात पर कायम रहता है, कोशिश करता है, डरेगा जरूर। बहादुर उसको नहीं कहते जिसको डर ही नहीं लगता है। बहादुर वो है जिसको डर लगता है, डरता है। बहादुर वही जो डरे मगर काम वही करे। क्यों करे? क्योंकि वो काम करने लायक, क्योंकि वो सही है, क्योंकि उसमें फायदा है, उसमें लाभ है, वो अच्छा है। तो ये एक पूरा मामला था जिसमें कि हमने देखा किस तरह से ये पूरी चीजें चल रही हैं। संजय जी अपने चैनल को लेकर वापस आ गए हैं। संजय जी के चैनल को आप देख सकते हैं, हमने उनके चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, लाइक भी किया, उनके वीडियो पे गए, उस पर कमेंट भी किया। उसमें हमने ये बात स्पष्ट तौर से कही है, हमने इस एक मिनट बीच में रोक के बोल दें, हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है जो उनका चैनल है, ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी तक यूपी अभी तक नाम से चैनल है। आज उस पर उन्होंने दो वीडियो डाले भी हैं, एक पहला वीडियो ये है और दूसरा वीडियो जिसमें कि उन्होंने बाकायदा, शायद वो पहले का शूट किया हुआ था, वो भी वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने बाकायदा जैसे उनके वीडियो होते हैं उस तरह का है। ये दोनों वीडियो हैं वो जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों वीडियो हैं जो कि उनके चैनल से आ गए हैं यूपी अभी तक से। यूपी अभी तक आप चाहें तो उसको अभी जाके सब्सक्राइब करें और उसका हौसला बढ़ाएं संजय शर्मा जी का, ताकि वो इसमें टूटे नहीं, वो इसमें हारे नहीं, वो इसमें ये ना समझे कि मेरे दर्शक भाई सही बात है। इस चैनल पे मेरा अंदाज़ा ये है जो मैंने देखा किसी वेबसाइट वगैरह के माध्यम से, 3,000 के आसपास सब्सक्राइबर, 3 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर थे उसमें। और सब्सक्राइबर बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी बात ये है कि आप अपने काम को दूर तक क्यों करता है आदमी, काम इसीलिए करता है कि वो पहुँचा सके लोगों तक। तो ये है चैनल संजय शर्मा साहब का, ये देखिए ये दोनों वीडियो उनके हैं जो कि मैं थोड़ा ये आपको दिख पा रहा है, ये देखिए वीडियोस में, ये उनका पहला वीडियो जो आपको दिखाया था, इसके बारे में बताया आपको। और इस वीडियो, ये वीडियो है उनका, इसमें वो फिर लेके आए हैं अपनी बात, क्या हुआ कैसे हुआ। आप जाएं इस सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, अच्छा लगेगा। तो ये उनका है, अब और सिर्फ यही वीडियो नहीं डाला है उन्होंने, बल्कि इससे आगे भी वीडियो डाल दिया है यूपी अभी तक के। दूसरा ये वीडियो भी उनका चल गया जो मुझे लगता है पहले से रिकॉर्डेड था, तो ये वो वीडियो भी उनका चला है। तो बढ़िया लगा कि शाम तक ये, बस इसमें मेरी एक गुजारिश ये है, संजय शर्मा जी को अगर कोई लोग जानते हैं तो उनको बोलें कि इसमें 4 PM ये ज़रूर जोड़ें अपने यूट्यूब चैनल के नाम में। और वो बदलना बहुत मुश्किल है, आप फौरन जाकर बदल सकते हैं। 3 महीने में, साल भर में आप 3 बार बदल सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम, बशर्ते कि वो किसी और ने ना लिया हो। तो मुझे लगता है यूट्यूब 4 PM तक का नाम जो है वो बढ़िया लगेगा। तो प्लीज़ जाके देखिए और उनका हौसला बढ़ाइए। हमारे चैनल पर भी जब हमने ये
खबर शेयर करी तो बहुत सारे लोगों ने उसमें अपनी जो है इच्छा जाहिर करी कि ब्रिंग बैक 4 PM, किसी ने कहा कि वापस लाना ही चाहिए। तो ये चीज़ बड़ी स्पष्ट है। एक चीज़ मैं और स्पष्ट बिल्कुल कर दूँ कि जो ये है पूरा मामला, इस मामले में जो कहा जा रहा है कि उनका चैनल क्या हुआ है, क्या हैक हुआ है, बिल्कुल हैक नहीं हुआ है। कम्युनिटी गाइडलाइन दी गई है, लेकिन ये इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ यहाँ पे, इनको सबको थोड़ा सरकार का और ये सब ये देखिए आप, ये है, ये आप हमने उसी सोशल ब्लेड जो आपको पिछले वीडियो में दिखाया है, यहाँ पर हमने निशान बना दिया है ये हाथ का, इधर आप देख सकते हैं जहाँ ये दोनों जोड़ रहे हैं। यहाँ पर पूरी तरह से स्पष्ट होगा कि ये इसमें जो है वो क्या बोलते हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस के तहत रोका गया है ये पूरा। इसमें कहीं से कहीं तक भी ऐसा नहीं है कि उनके चैनल पर कोई हैकिंग की बात हुई, बिल्कुल हैकिंग की बात नहीं है। अब एक चीज़ और स्पष्ट कर दें कि जो एक वीडियो आपको इसमें अभी देखिए मैं ऐड करता हूँ, तो उस वीडियो को आप जब देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअली ये कम्युनिटी गाइडलाइन है क्या और मामला क्या हुआ है। तो ये देखिए मैं ये इसको लगा रहा हूँ, ये कम्युनिटी गाइडलाइन इसके ऊपर ही लगा देता हूँ। ये देखिए ये कम्युनिटी गाइडलाइन की पूरी मामला है। इसमें 2-3-4 प्रकार की होती हैं। एक स्पैम एंड डिसेप्टिव का मतलब है आपने झूठ बोल के कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और मतलब स्पैम समझते हैं ना, अपना सामान बेचने की कोई सेंसिटिव कोई कंटेंट दिया हुआ, ये किसी न्यूडिटी सेक्सुअलिटी इस संबंध में लेके। तीसरी चीज है कोई डेंजरस कंटेंट डाला हुआ है जिससे लोगों की जान जा सके, माल जा सके, ये और रेगुलेटेड गुड्स ऐसी चीजों के बारे में बात करी है आपने जो कि नहीं करनी चाहिए, बैन है, और ये है मिस इन्फॉर्मेशन। तो मेरा अंदाज ये है कि किसी ने उनका मिस इन्फॉर्मेशन के तहत रिपोर्ट किया है और यूट्यूब ने हटाया है। तो ये एक चीज एक बार जरूर देखनी चाहिए संजय साहब को, मेरा ऐसा मत है कि वो जरूर इसको लें संज्ञान में और संभव हो सके तो इस पे कुछ ना कुछ जरूर कोशिश करें। यूट्यूब के साथ बार बार उनको लिखना पढ़ना पड़ेगा ये है वो कम्युनिटी गाइडलाइन, स्पैम एंड डिसेप्टिव, दूसरी सेंसिटिव कंटेंट की बात आती है कि कोई सेंसिटिव कंटेंट शेयर किया गया है, उसके अलग अलग कैटेगरी हैं, सेंसिटिव कंटेंट पे भी काफ़ी सारी बातें आती हैं। और बिल्कुल संजय जी के उसमें ये न्यूडिटी हो ये सब तो है ही नहीं, तो वो ये नहीं लागू होती। वॉयलेंट और डेंजरस वाली बात है वो भी लागू नहीं होती, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कोई ये मामला हो। फिर उसके बाद आता है रेगुलेटेड गुड्स का मामला कि जो चीज़ें बैन हैं वो कोई सामान आप कर रहे हैं उस तरह की, उसको कुछ सेल या इलीगल उसको वो कर रहे हैं, ये है वो सेक्शन मिस इन्फॉर्मेशन। तो मेरा अंदाज है मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसीज है ना, इलेक्शंस मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसीज, तो इसमें कहीं उनके साथ जो भी हुआ है। तो एनीवेज गुड लक टू संजय शर्मा साहब, 4 PM गए हुए नेटवर्क के लिए जरूर प्रयास करिए हमारी राय है, और वो साथी जिन्होंने हमारे वीडियोस को देखा है उनके लिए ये अच्छी खबर है कि ये अब संजय शर्मा साहब उपलब्ध होंगे यूपी अभी तक नामक चैनल से। हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आप कर सकते हैं, सर्च करके उस पर जा सकते हैं, यहाँ देख ही रहे हैं आप जो हम दिखा रहे हैं, मेरे ठीक सिर के ऊपर जो दिख रहा है वो। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। हम अब अपने वीडियोस लाएंगे इस तरह से सोशल पॉलिटिकल इश्यूज पे जिन पर हमारी इच्छा है, हमारा अपना मत रखेंगे और उम्मीद है कि आप उनको भी सराहेंगे। संजय जी बाय बाय, टेक केयर।